हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुका है और रात में हम लोग गए थे मंडा देखने के लिए। हम और शंकर जी और पापा पापा भी आ रहे हैं, देखिए देख के आ गए हैं। रात में ही गए थे हम लोग, वो पीछे आ गए। हाँ चलिए, अभी रीना और माँ इन लोग पहले आए गए हैं। हम लोग गए थे ना तो अभी आए हैं और ऐसा तोड़ लिए हैं। चलिए अब पूरा तोड़ के करते हैं। चलिए जी तोड़िए, एक खांची तोड़े उधर, दादाजी उधर तोड़ रहे हैं। बस अभी बोध ही तोड़े, झींगा भी तोड़ना है। चलिए झींगे भी तोड़ना है, अभी तो बोध ही तोड़ रहे हैं। चलिए यहाँ भी रखा हुआ है तोड़ के, और वहाँ भी, और खांची में भी है। ये सभी तोड़ना होगा, उसके बाद फिर झींगा तोड़ना है। तो चलिए अभी सभी को मिल के तोड़ते हैं। कुछ ही देर में अब कम्प्लीट हो जाएगा तोड़ा हुआ, उधर हो गया है और अभी इधर थोड़ा सा बाकी है। ये पार भी कंप्लीट है ना। हाँ। अब ये वाला है, शंकर जी इधर बैठ गए हैं। चलिए सुबह सुबह एकदम मस्त, एकदम हरियाली लग रहा है। यही दोपहर में होगा, अभी मुरझा जाएगा सब, पता नहीं ये करना। कंप्लीट करते हैं ये तोड़ के, तोड़ेंगे। ये देखिए पूरा हो गया है बेचने का लायक। इधर भी है, ज़्यादा खिंचा वाले नहीं तोड़ना है ना। चलिए ना पकड़ो रहना। चलिए अभी तोड़ते हैं सब। रात में रीना बौरा रही थी, सपना देख रही थी कि हमको मिठाई कोई दे रहा है। उठी और मिठाई दे कर रही है। अच्छा सपना में सो के उठी है और मिठाई खोज रही है। वाह वाह, बचपन में ऐसा करता लग रही ना, अभी भी कर रही है। अभी मेरा बचपन ही है। अच्छा चलिए, तो दोस्तों अभी बोधी तोड़ के आ गए हैं झींगी तोड़ने के लिए। अब झींगी तोड़ेंगे, खोज खोज के तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि झींगी सब दिखता नहीं है। इसका पत्ता ना बहुत ज़्यादा भद्दा है, पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, गार है ना। गजार हो गया। हाँ ये देखिए, ये है झींगी, ये और एक तो है ना, यहाँ तो गजार हो गया गाइस। चलिए ब्लेड में देखिए, ब्लेड में हम लोग काटते हैं, नहीं तो लर ना चौंता जाता है। हाँ। इतना ज़्यादा मजबूत होता है ना, ये हाथ से टूटेगा नहीं। खीरा भी होगा, खीरा कहीं कहीं है। बाकी चलिए पटाया हुआ है तो इसमें नहीं घुसेंगे, जूता पहने हुए हम गए थे देखने के लिए ना, अभी खोल लेंगे। अरे उसका मुड़िया कौन उधर कर दिया, खतरनाक एकदम है। चलिए एक एक पारी करके तोड़ेंगे। चलिए खांची पूरा भर जाएगा, अभी बहुत ज्यादा निकलेगा। कल नहीं टूटा था ना, कल भी टूटा, कल भी टूटा था ना। डेली निकलता है, डेली बढ़ जाता है। और अब हम चलेंगे पापा के लिए दतून ला देने के लिए, धो लेते हैं उसके बाद मार्केट जाते हैं, बिना धोए कभी नहीं जाते। कौन दतून ला दें, घाटो? चलिए घाटो नाम का एक दतून है, हम लोग ब्रश करते हैं उसी से, मुँह धोते हैं। चलिए थोड़ा दूर में है, उधर वहाँ दिख रहा ना थोड़ा गजार, वहाँ पर है तो वहीं जाएंगे और दतून तोड़ के लेते आएंगे। दोस्तों ये देखिए आ गए हैं दतून तोड़ने के लिए। ये रहा दतून, ये घाटों का है, हम लोग घाटों बोलते हैं इसको, पापा इसी से धोते हैं। चलिए इसको तोड़ेंगे, जल्दी नहीं टूटता। एक टूट गया और एक तोड़ लेंगे, बोला थोड़ा मोटा दिख रहा। चलिए ये टूट गया आराम से, दो गो में हो जाएगा। चलिए लेते जा देते हैं, तो कहें दतून लेके पापा झींगी ला लिए, एक खिंचला बोधी इतना सारा निकल गया। लीजिए दतून, और उधर अभी तोड़ रहे हैं माँ शंकर जी दादाजी इन लोग मिलके। ये देखिए चलिए अब जल्दी से तोड़ते हैं सबको मिलके। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारा बोधी और झींगी जमा हो गया है, बाकी उधर मम्मी पापा रीना इन लोग तोड़ते हैं। तो चलिए अब हमको ये ड्यूटी मिल गया है बोधी को छांटने के लिए, कोई कोई ख़राब है
तो फिर साइड कर देना है, अच्छा वाले नेक साइड करना है और मूठा बांधना है अभी, क्योंकि मूठा कर करके बेचना पड़ता है। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं घर, 10 बज गया अभी। और देखिए अभी से खाना नहीं बना है, बन रहा है अभी, बन रहा है, भात बन गया है ना। और रीना भी देखिए सब्जी काट ली है अभी। हाँ बनेगा आज कौन सी, बोधी और आलू का भुंजिया। पंखा मस्त चल रहा है, शंकर जी इधर हवा ले रहे हैं। हाँ रात जागे हैं और गर्मी भी बहुत अच्छा, ठंडा भी हवा एकदम मस्त चल रहा है पंखा में। देखते खाना कब तक बनता है, भूख जबरदस्त लगा है, बनेगा जरूर खाएंगे। तो हम लोग खाना वाना खा लिए हैं और अभी मौसम थोड़ा ख़राब कर दिया है, ये देखिए पानी आने की चक्कर दिया, धूप आज उतना नहीं उगा है। और ये देखिए यहाँ पर शंकर जी खाना खा के इधर बैठे हैं बबलू भैया के साथ में। और अभी आप लोग का एक बहुत बड़ा राज बताना है, जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे, तो चलिए दोस्तों ये घर का बात आप लोग बोल रहे थे। ये जो घर है हम लोग ज़्यादा नहीं दिखाए हैं, आप लोग बोल रहे थे कि ये घर मतलब शादी में दिखा रहे थे और उससे पहले भी कुछ दिन पहले दिखाए थे, तो आप लोग सोच रहे थे कि और हम लोग का नहीं है। चलो हम लोग का ही है, लेकिन यहाँ हम लोग ज़्यादा नहीं रहते, वही घर में रहते हैं इसलिए वहीं का दिखाते हैं। हाँ बड़े पापा इन लोग का, हाँ बड़े पापा इन लोग यहीं पर रहते हैं। बैठो चलिए। हाँ यही झोंपड़ी में रहते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब हम लोग एक ही में रहता है घर। हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना, झोंपड़ी ही बहुत बड़ा होता है का। हाँ जिसके पास नहीं होता उसके लिए वही काफ़ी होता है। चलिए और ये देखिए इधर अब खेल रहा है, और अब रीना जाएगी खेत ना। हाँ। कौन सी काम है, भिंडी रोपना था, हम सो गए थे, सो देखिए माँ हमको नहीं उठाई, जाना होगा। हाँ भी तो चलो अभी चलेंगे। हाँ। चलिए भिंडी रोपना है, मौसम भी ख़राब किया, अगर पानी मारेगा ना तो फिर रोपने नहीं बनेगा। हाँ। अगर रोप देंगे ना तो पानी मारेगा बाद में, तो अच्छा होगा, शाम से रोप देंगे तो पूरा हो जाएगा जल्दी। चलिए चलते। और दोस्तों अभी आ गए हैं इस घर में, जो इस घर आप लोग को नहीं दिखाए थे, शादी में दिखाए हैं तो पूरा मैं कमेंट कर रहे थे। यहाँ पर दो रूम है, एक यहाँ एक इधर, बहुत छोटा रूम है, एक तो पलंग भी नहीं है, डबल बेड वाला। हाँ बहुत पुराना घर है, लगभग कितना, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 14-15 साल पुराना घर है। हम लोग छोटे छोटे नहीं, हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ बड़े पापा इन लोग बनाए थे। हाँ बाकी चलिए यहाँ पर थोड़ा हवा ले रहे हैं शंकर जी भी पंखा का। अभी चलेंगे खेत, भिंडी रोपना है। हाँ। हम लोग झोरा टीने थे और रोपे नहीं है, तो अभी जाएंगे और रोपेंगे। चलो चलिए चलो बैठो, अब चलेंगे हम लोग, मौसम भी थोड़ा ख़राब किया है। हाँ। रोप देने से अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं बारी तरफ। हाँ चलिए चलिए बाइक लेते आए हैं कि थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर रहा है ना। हाँ ज़्यादा। हाँ और ये देखिए पापा इधर नहा धोवा के रेडी हो गए हैं, नहा के भिंडी रोप लिए, हो गया कम्प्लीट। हम लोग सोच रहे थे नहीं हुआ होगा, इसलिए हम लोग सभी भी आ गए। आते पहले ही तो हम ना सो गए थे, और इन लोग रीना सो गई थी, तो काम था। हाँ इन लोग दोनों कहीं चले गए थे, हम पूरा सो गए थे, तो इन लोग आए तब उठाए हमको। और इधर मस्त एकदम हवा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम एकदम खराब है, लेकिन अच्छा लग रहा है, हवा चल रहा है बढ़िया, लुहर लुहर हवा चल रहा है। और देखिए उधर माँ और दादाजी, रोपा हुआ हो गया भिंडी, तो हम लोग आ गए इसी। हम लोग सोच रहे थे कि नहीं रोपा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा का, अरे नहीं हुआ होगा इसलिए हम लोग आ गए थे। बाकी देखिए कच्चू भी एकदम मस्त लहलहा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, बाय बाय।